जय श्री कृष्ण दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कथा सुनने के बाद श्री युधिष्ठिर जी ने बोला कि हे प्रभु, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में किस एकादशी की पूजा होती है तथा इसका नाम क्या है तथा इसको व्रत करने की विधि क्या है, तो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सूर्यश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इनसे तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए हुए थे। वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण के चपलतावश विजयात्मक श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने वन में भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जाए? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहां द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहां से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, इस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी का यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वक्तालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि हे पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहां आगमन हुआ? श्री रामचंद्र जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं। मुने, अब जिस प्रकार से समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। वक्तालभ्य ने कहा कि हे प्रभु, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चित ही आप विजय को प्राप्त करेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त ध्यान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर
द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करें। देव प्रतिमा के सहित उस कलश को वेद वेदा ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री रामचंद्र जी, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से यत्नपूर्वक विजया का व्रत कीजिए, जिससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि की कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजयी पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक में भी अच्छा बना हुआ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।